चल रहे हैं, तो इसमें किस पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान जा रहा है क्षेत्रवासियों का? देखिए, अभी ताज़ा ताज़ा इलेक्शन हो क्या हुआ है 2019 का। अगर आप सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में दलित मुस्लिम का गठबंधन जो था उसने भाजपा को जीत लिया। तो मैं समझता हूँ कि यही फैसला लोग यहाँ भी लेंगे। जो ये गंगों में काजी परिवार है, इसकी तरफ मुस्लिम समाज का ज्यादा रुख देखने को मिल रहा है, तो उसमें मुस्लिम का क्या रहेगा? 2017 में वो तना कैंडिडेट थे और अक्सरियत मुस्लिम के पास चली गई, क्या जीत गए? बीजेपी से 40,000 का फासला था। अगर मिसाल के तौर पे मुसलमान के नाम पर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो बीजेपी को सीधा सीधा फायदा पहुंचाते हैं, जो वो सहारनपुर में कर रहे थे कि 4 लाख वोट उनके बैंक में रखे थे, 4 वार्ड लेना चाह रहे थे, लेकिन जिस दिन गिनती हुई वो बैंक की हड़ताल हो गई, 4 लाख वोट नहीं मिल पाए। मुसलमान ना इतना कभी गुमराह था ना आज है, वो जानता है फैसला कहाँ लिया जाए। कांग्रेस के पल्ले कोई वोट वोट नहीं है, एक कैमरामैन उन्होंने साथ ले लिया, जो चाहे बुलवा लीजिए। जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के भाई ने मौलाना के बारे में गलत बयानबाजी की थी, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा क्या कहना है, मेरी तो औकात ही कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि उलमा मेरे नायब हैं। जो आदमी उनको बुरा कह रहा है उसका तसव्वुर कीजिए आप, क्या किसको बुरा कह रहा है? और वो आदमी जिस इंसान के बारे में बुरा कह रहा है, आज हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमानों की कोई आवाज़ उठा रहा है, अगर मुसलमानों की ज़रूरियात कहीं पूरी हो रही हैं, अगर आज मुसलमानों को कहीं से कुमक मिलती है तो जमीयत उलमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की तरफ से मिलती है। आज NRC के मामले के ऊपर अगर आसाम में कोई लड़ा तो जमीयत लड़ी। ये लोग जिन्हें इस्तंजा करने की तमीज़ नहीं है, ये उनका नाम लेंगे, इनको क्या तमीज़ है? जिस दिन से मौलाना मोहन भागवत से मिले थे, मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि RSS का कोई आदमी मॉब लिंचिंग में शरीक नहीं होगा, अगर हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बताइए उस दिन से कोई मॉब लिंचिंग हुई? ये लोग ये कौम फरोश लोग हैं, 70 साल से कौम को बेच खाया इन्होंने, क्या किरदार रहा 70 साल में इनका यहाँ? ये मौलाना को बयान देंगे? ये तो मुसलमान सो गया है यहाँ का। मेरे घर आए ना तो जूतों का हार डाल के धक्के मार के निकाल दूंगा घर से, तो सो गया है मुसलमान। मुसलमान को चाहिए था गांव में बिना घुसने देते, वोट वोट तो दिया ही जाता है, किसी ना किसी को आदमी वोट देता ही है, सो गया है मुसलमान, अपने उलमा को बुरा कह रहा है। तो अब आपका किस पार्टी की तरफ रुझान है? देखिए, पार्टी वार्टी ये कुछ नहीं है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले मायावती के साथ गठबंधन कर लिया था, तो मैंने तो सुनानी गठबंधन टूट गया है, तो मैंने भी यही तय किया भाई हिंदुओं के अंदर बसपा बहुत अच्छा लड़ रही है। 2014 में फिरका परस्ती फैल चुकी थी, सरकार आ गई थी बीजेपी की, उसके बावजूद चौधरी महिपाल चुनाव लड़े, 44,000 उनको वोट थे, उसमें 41-42,000 दलित वोट थे, यहाँ 61,000 खालिस चमार का वोट है विधानसभा में, और वो इधर उधर जाने के बाद भी भाजपा में जा रहा है, वो उसके बाद भी 40,000-42,000 वोट उसके कैंडिडेट को, बसपा के कैंडिडेट को मिल रहा है। अजीत शाह चुनाव लड़ रहे हैं, शरीफ आदमी है, चुनाव लड़ रहे हैं, वोट उनके साथ चल रहा है, जाहिर सी बात है मुसलमान के साथ जाएगा, मेरा भी समर्थन है उनको। तो आप किस पार्टी से अपना चुनाव मान रहे हैं? चुनाव सीधा सीधा भाजपा से है, जो सहारनपुर में था वो यहाँ है। यहाँ कुछ लोग कौम फरोश हैं, जो वहाँ वो नारा दे रहे थे वो यहाँ नारा दे रहे हैं, मुसलमान को बहका रहे हैं बेचारे को। वो चुनाव में कल भी नहीं थे ना आज चुनाव में, आप मुस्लिम का 70% वोट उनको दे दीजिए तब भी वो 56,000 पे खड़े होंगे, 56,000 हार जीत हो जाएगी क्या? उनको सिर्फ जिंदा रखना है अपने आप को, अगर भाजपा रहेगी तो जिंदा रहेंगे। सहारनपुर के किसी नेता से आप जाके पूछिए, किसी ना किसी नेता कोई ना कोई कारोबार है, उनसे पूछिए वो बताएंगे हमारा कारोबार राजनीति, हमारा कारोबार मुस्लिम कशी है। तो आप के प्रत्याशी के क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये गंगो विधानसभा है, ये आज तक हकीकतन यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं आया है। हम सरकार में रहे, हमें अल्लाह ने जो तौफीक दी, हमने काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया। यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं आया है जो शरीफ आदमी हो, जैसे सहारनपुर में हाजी फजलुर रहमान साहब को लोग ले आए हैं, शरीफ आदमी, कारोबारी आदमी है, भाई कुछ ना कुछ कौम के लिए करें, उनका हक उन तक पहुँचाएंगे। यहाँ तो हक ही नहीं पहुँच पा रहा है, वही खा जाते हैं लोग बीच में। तो SC वोट भी बराबर मिल रहा है, समर्थन बराबर मिल रहा है? आप लिस्ट उठा के देखिए, 2014 में बीजेपी आ गई थी, उसके बाद 2017 में इलेक्शन हुआ विधानसभा का, तब
महिपाल जी को 44,000 वोट मिले, उसमें 40,000 दलित हैं। उसके बाद गठबंधन से चौधरी तबस्सुम हसन लड़ी थी, उनके लिस्ट उठा के देखी, उनको 42-47,000 चमार वोट मिला था। अब ये 2019 का चुनाव किया है, अंदाजा लगाइए आप इससे, 1,02,000 वोट तो मिला चौधरी तबस्सुम को जो गठबंधन से थी, 18,000 वोट मिला मलिक साहब को जो कांग्रेस से थे। तो यहाँ 80,000 मुस्लिम पड़ता है, 1,20,000 है, 72 से 80,000 के बीच में पड़ जाता है। तो ये बाकी का 40,000 वोट किसका है भाई, किसने दिया? नानोत ब्लॉक उठा के देखिए, तमाम चमार वोट अपनी पार्टी को वोट करता है, करता आ रहा है। तो माया जी जीतने के बाद ये कहती है कि मुस्लिम मुझे वोट नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है गंगू विधानसभा क्षेत्र से, तो ये मुस्लिम वोटों का दावा कर रहे हैं, तो इसमें क्या रहेगा आपकी बात? ये खानदान पिछले 70 साल से मुस्लिम वोटों पर राजनीति करता है, और रही बात कांग्रेस की, इस पार्टी की इतनी घिनावनी तारीख है मुसलमान के लिए, इसके दौर हुकूमत के अंदर 50-55,000 दंगे हुए हैं। ये तो लोगों को पता नहीं है, हकीकत यह है कि हम लोगों ने तालीम छोड़ दी, हमें अंदाजा नहीं हुआ क्या हो रहा है। ये आज कांग्रेस का झंडा लेकर यहाँ खड़े हैं, सारी जिंदगी इन्होंने कांग्रेस को गालियाँ दी हैं, आज कौन सा साबुन ला के कांग्रेस का पंजा धो लिया है ना कि वो साफ सुथरा हो गया, सारी उम्र कांग्रेस की गालियाँ। और कांग्रेस की इंतहाई इबरतनाक तारीख है ये, जिस पिच पर आज बीजेपी खेल रही है ना, ये कांग्रेस की बनाई हुई पिच है। कांग्रेस ने इस बीजेपी को हमारे लिए खड़ा किया था ताकि ये हमें छेड़े और हम मुसलमान कांग्रेस की तरफ आ गए। कांग्रेस की हुए काम है जो इमरान मसूद जी कांग्रेस पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके, इन्होंने गंगो विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किया है, क्या मुस्लिम समाज के लिए किया है इन्होंने? मैंने बताया ना आपसे कि पिछले 70 साल से राजनीति कर रहे हैं, इनके बड़े भी करते आ रहे हैं, अगर ये कुछ विकास करते तो क्या आज किसी को वोट मांगना पड़ता? आज कहीं कोई फाइट में होता? मुसलमानों का इस्तेहसाल किया, उन्हें बर्बाद किया, उनमें टुकड़े किए। आज भी हमारे यहाँ खादर में ऐसे गांव हैं कि जिनमें आप सूखे के ज़माने में भी गर्मी में भी पैदल नहीं जा सकते। ये विकास किया? इनके हज़ारों बीघे के बागात बन गए, कोठियाँ बन गई, ये विकास हुआ है इनका? कोई एक स्कूल, एक कॉलेज, एक कोई मदरसा, एक हॉस्पिटल नहीं दिखा सकते आप क़यादत के नाम पे? बस क़यादत का नारा है कि क़यादत को लाइए, क़यादत बचाइए। आज इनको जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनके नाम आप ले रहे हैं क़यादत के नाम पर, क्या क्या लोगों को दुहाई देते हैं? चोर बना दिया उन्होंने कौम को, माइक पर बमा के ढोल कहते हैं, एक आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया, मैंने जाकर छुड़वा दिया। अरे क्यों कागज नहीं रखे थे भाई कौम ने, क्या जरूरत थी आपको छुड़वाने? काश कभी आप ये कहते कि एक आदमी आया, मैंने उसको हॉस्पिटल में दाखिला करा दिया, मैंने किसी का MBBS में दाखिला करा दिया। क्या किया आपने कौम के? इन्होंने पीछे भी सपा विधायक के बारे में कहा था कि वे जिला छोड़कर भाग रहे हैं, तो उसमें क्या कहना है आपका? नहीं, सपा विधायक के बारे में जो कुछ कह रहा हूँ उसमें काम वाम तो उनको है, कभी इस पर कोई अल्फाज कह दिए, कभी उस पर कोई अल्फाज कह दिए। अच्छा, मोदी जी पे अल्फाज कह दिए थे पहले, उससे उनको फायदा भी हो गया था। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस भी और ये लोग भी जो कांग्रेस में आज हैं। सदा से ये इस जिले के अंदर बीजेपी से अपनी साठगांठ रखते हैं। सहारनपुर का इलेक्शन हुआ आपके सामने है, कोई फाइट में नहीं थे, इलेक्शन में ही नहीं थे। एक बयान आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, दुनिया ने सुना है कि मैं तो जीतूंगा नहीं, जीतता तो राग अभी, ये क्या है? खुल्लम खुल्ला बीजेपी के साथ इनका मामले तो मामला नहीं है। 2019 के चुनाव में आपने आंकड़ा दिया था और वो बहुत ज्यादा सही साबित हुआ था, तो अब के आपके क्या आंकड़े रहे चुनाव? हमने क्या दिया था, तो अल्लाह की मर्जी थी, वो तो हमने लिख दिया, अल्लाह को मंजूर ऐसी था, ऐसे ही हो गया। देखिए साहब, यहाँ 3,63,000 वोट की विधानसभा है, अगर 60% पोल हो और 1,80,85,000 हिंदू हैं, 61,000 दलित हैं खालिस, जिनको चमार कहते हैं, खालिस चमार 61,000 हैं, और 1,20,000 मुस्लिम हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर 60% पोल होता है तो 1,85,000 का 60% पोल हो, 1,10,000 हिंदू वोट पड़े, और मुस्लिम अगर 70%, क्योंकि मुस्लिम और दलित हमेशा ज़्यादा पड़ता है, वो हो गया मुस्लिम पड़ गया तो 84,000 हो जाएगा। यही दलित की बात है, दलित अगर 80% पड़ गया, पड़ता है हमेशा इतना ही, तो 49,600 हो जाएगा।
मेरा नजरिया ये है कि बीएसपी के पास 40,000 नेट अपना वोट है जो 2014 से आज तक पड़ा। इनको बहुत खींचतान के, जैसे आज फिरका वारियत है पूरी तरह दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान तो इसमें कतई जलकर खाक हो गया है, हर आदमी फिरका परस्ती की बात करता है, तो इन्हें आप इनके पर्सनली 3,000 हिंदू लगा लीजिए। और मेरा नज़रिया ये है कि 40,000 मुस्लिम बाहर सूरत उनके पास जाए, इस तरह इनके पास 83,000 वोट बैठते हैं। अब आइए बीजेपी पे, आप बीजेपी को 84,000 हिंदू, 6,000 SC, 1,000-1,500 मुस्लिम, ये हैं 91,000 पे। तो असलन तो लड़ाई इन्हीं दो के बीच में रहनी है, 5,000 ये ऊपर, 5,000 वो। अब आए कांग्रेस के कैंडिडेट पे आइए, वो कितनी दौड़ लगा लें, वो कितना भी वोट काट लें, वो कितना भी गुमराह कर लें, वो 35-40 से ऊपर नहीं है। उन्हें 2,000-3,000 पहले भी हिंदू भाई मिल गए थे, वाकई मिल जाएंगे, हो सकता है मिल जाएंगे, लेकिन हालात तो नहीं लगते। वो खींच तान के 40,000 पहुँचेंगे, उनका मकसद बीजेपी की मदद है, वो कैसे भी हो। तो यहाँ इलेक्शन ही इनके बीच में रहना है। जो गुज्जर समाज के लोग हसन परिवार पर नज़र बिठाए बैठे हैं कि वे समर्थन किसको करेंगे, अगर उन्होंने किसी को समर्थन नहीं किया तो ये किसकी तरफ जाएगा गुज्जर समाज के लोग? नहीं देखो दोस्त, हर चीज़ अपनी तरफ लौटती है। तो आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, जाहिर सी बात है कहीं भी आप पूछें भाई कौन सी बिरादरी का आदमी किसकी तरफ जाएगा, तो लाजिम बात है कि भाई भाई शाह साहब गुजर बिरादरी से हैं तो लोग उन्हीं की तरफ जाएंगे, क्यों जाएंगे किसी की तरफ? अपनी बिरादरी का आदमी उसको उठाए खड़ा होगा, और ये तो बिरादरीवाद तो चरम सीमा पर है। नहीं, समाजवादी पार्टी के भी तो प्रत्याशी हैं ना? ठीक है, समाजवादी के प्रत्याशी हैं, लेकिन समाजवादी के प्रत्याशी ने जो पिछले कई इलेक्शनों में भाजपा को खुल्ला खुल्ला सपोर्ट किया है, ये उनका खमियाजा भुगतेंगे ना, वो क्यों मुसलमान वोट देगा? अगर वो देते पलटवार, लिस्टें उठा के देखिए आप, 2 लोकसभा के इलेक्शन, गंगोबी चेयरमैन के इलेक्शन, कोई वोट उनका मिला? यही तो तारपुर एक गाँव है दुदू गुजरों का मुकम्मल, वो लड़े थे उन्हें 400 वोट मिले थे, और तबस्सुम हसन लड़ी तो उन्हें वहां से मिले 14 वोट। खुल्ला खुल्ला बगावत नहीं थी पार्टी, तो क्यों उनको मुस्लिम वोट?